हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने यूनिट 4 का पार्ट 7, जो कि इस यूनिट का लास्ट पार्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के टॉपिक को, और साथ ही साथ हम साइबर रेगुलेशन एपिलेट ट्राइब्यूनल की भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या है। सो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, DSC बोलते हैं, आर द डिजिटल इक्विवेलेंट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ फिजिकल और पेपर सर्टिफिकेट। तो जो हमारे पेपर बेस्ड सर्टिफिकेट होते हैं या फिर जो हमारे नॉर्मल सर्टिफिकेट होते हैं, जो कि फिजिकली अवेलेबल होते हैं। फिजिकली अवेलेबल का मतलब ऐसे सर्टिफिकेट, ऐसे पेपर बेस्ड सर्टिफिकेट जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो वो मेरे या फिर जो हमें फिजिकली अवेलेबल हो, जिनको हम हाथ में पकड़ सकें, वो मेरे पेपर बेस्ड सर्टिफिकेट थे। उनका जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है या फिर उनका जो डिजिटल इक्विवेलेंट है, ऐसे सर्टिफिकेट जो डिजिटली स्टोर है, उनको हम लोग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, लाइकवाइज अ डिजिटल सर्टिफिकेट कैन बी प्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉनिकली टू प्रूव वंस आइडेंटिटी टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्विसेज ऑन द इंटरनेट और टू साइन सर्टेन डॉक्यूमेंट डिजिटली। तो जैसे मैंने डिजिटल सिग्नेचर में ही बताया था, किसी डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन करना, कोई भी इंफॉर्मेशन वहां से लेना, कोई भी सर्विस इंटरनेट पे लेना, या फिर किसी की आइडेंटिटी को प्रूफ करना, जो मैंने बैंक वाले भी एग्जाम्पल बताया था, तो किसी की आइडेंटिटी को इलेक्ट्रॉनिकली बेसिकली प्रूफ करने का काम ही मेरा डिजिटल सर्टिफिकेट करते हैं। और ये ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो कि डिजिटली स्टोर होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और DSC और डिजिटल सिग्नेचर आर बीइंग अडॉप्टेड बाय वेरियस गवर्नमेंट, और इसी की वजह से, क्योंकि ये इजिली अवेलेबल हैं, इजिली इनको लोग एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए ये जो सर्टिफिकेट है, ये बहुत सी गवर्नमेंट भी अडॉप्ट कर रही है। ठीक है, तो ये थी मेरे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। अब आता है मेरा नेक्स्ट टॉपिक कि टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, कितने तरीके मेरे सर्टिफिकेट्स होते हैं। सबसे पहला आता है मेरा साइन DSC। साइन DSC का क्या मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सिग्नेचर से रिलेटेड होगा। सो साइन DSC कैन ओनली बी यूज फॉर साइनिंग डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जो डिजिटल सिग्नेचर है या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, वो किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को वैलिडेट करने के लिए होता है। मेन जनरली ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अगर हमने किसी भी DSC का यूज किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए किया है, तो वो है साइन DSC। और जो, या फिर इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि जो साइन DSC होता है, साइन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, वो सिर्फ किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन ही करने के लिए होता है। आप उसके अलावा उसमें कुछ नहीं कर सकते, ना आप इंक्रिप्शन परफॉर्म कर सकते हो, ना कोई और ऑपरेशन, जो हमें आगे देखेंगे। मतलब साइन DSC से हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को साइन कर सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर यूसेज ऑफ इज साइनिंग द PDF फाइल फॉर टैक्स रिटर्न, MCA एंड अदर वेबसाइट। तो बेसिकली जो इसका मेन और पॉपुलर यूज होता है साइन DSC का, वो ज्यादातर PDF फाइल को साइन करने के लिए होता है, जब हम टैक्स रिटर्न की बात करते हैं, MCA ई फिलिंग की बात करते हैं, या फिर दूसरी वेबसाइट पे जहां पर हमें एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को साइन करने की बात आती है, वहां पर मेरा साइन DSC यूज होता है। साइनिंग वाया DSC गिव द अश्योरेंस ऑफ नॉट ओनली द इंटीग्रिटी ऑफ द साइनर बट ऑल्सो द डेटा। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग नॉर्मल ही क्यों नहीं साइन कर सकते, हम DSC का ही यूज करेंगे, हम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ही क्यों यूज करेंगे। तो बेसिकली अगर हम साइन करते हैं एक DSC के थ्रू, तो उससे क्या होता है, उससे हमें ये अश्योरेंस मिलती है कि जो भी दूसरा पर्सन है जो साइन कर रहा है, बेसिकली उसकी इंटीग्रिटी का हमें पता चलता है। इंटीग्रिटी का मतलब है कि वो जो पर्सन है जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं, जैसे सपोज करो कि तुम्हें किसी पर्सन से साइन करवाना है, ठीक है, तो वो पर्सन है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि दूसरा कोई हैकर है जो वो पर्सन लेजिटिमेट पर्सन बन के गलत वो वहां पर साइन कर रहा है। तो एक अश्योरेंस रखना कि वो जो साइनर है, जो साइन कर रहा है, उसकी इंटीग्रिटी है, मतलब जो हम पर्सन अज्यूम कर रहे हैं वही पर्सन है। साथ ही साथ जो डेटा है वहां पर, वो भी, उसकी भी इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए हम साइन करते हैं DSC के थ्रू। इससे हमें एक अश्योरेंस मिल जाती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे हमें, क्योंकि अश्योरेंस मिल गई है कि डेटा मेरा इंटीग्रेटेड है, डेटा की मेरी इंटीग्रिटी मेंटेन है, तो डेटा जो होगा मेरा ऑल्टर्ड नहीं किया होगा, डेटा को चेंज नहीं किया होगा किसी भी नेक्स्ट पर्सन ने। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि जो साइन DSC है वो ये प्रूफ है कि जो मेरा डेटा है वो अनटैम्पर्ड है एंड अनऑल्टर्ड है। अनटैम्पर्ड का मतलब है वहां पर किसी तरह की टैम्परिंग नहीं की गई, किसी तरह के चेंजेस नहीं किए हैं मेरे डेटा के लिए,
ठीक है, तो ये मेरा था साइन डीएससी, जहां पर डेटा की हमें एक अश्योरेंस मिल जाती है। ये चीज याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, साइन डीएससी से हमें ये अश्योरेंस मिल जाती है कि हमारा जो साइनर है उसकी इंटीग्रिटी का पता चलता है, साथ ही साथ हमारी डेटा की इंटीग्रिटी का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा इनक्रिप्ट। सो इनक्रिप्ट डीएससी कैन ओनली बी यूज टू इनक्रिप्ट अ डॉक्यूमेंट। तो मैंने बताया भी था पहले वाले वीडियोस में, क्रिप्टोग्राफी जब मैंने थोड़ा बहुत बताया था तब मैंने बताया था कि इंक्रिप्शन क्या होता है। देखो बेसिकली सपोज करो कि ये वर्ड है प्रोटेक्टेड, ठीक है, यहाँ पर कोई सेंडर है, यहाँ पर मेरा कोई रिसीवर है, ठीक है, और तुम्हें इस सेंडर से, मैं हूँ ये, सपोज करो कोई भी है, उसको ये प्रोटेक्टेड वर्ड इस रिसीवर तक पहुंचाना है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि जो प्रोटेक्टेड वर्ड है, जब ये फ्लो में जाए, जब ये इस लाइन के थ्रू जाए, ट्रांसमिट हो इसका पूरा प्रोटेक्टेड का वर्ड, तो हो सकता है कि बीच बीच में कोई हैकर आके इस प्रोटेक्टेड वर्ड को अल्टर कर दे, यहाँ पर इस मैसेज को चेंज कर दे। अब उसकी मर्जी है, वो उसको कुछ भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इस ऑल्ट्रेशन से बचाने के लिए, डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। क्रिप्टोग्राफी मैंने बताया था, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी से बेसिकली ये जो मेरा प्लेन टेक्स्ट है, जिसको यहाँ पर हम प्रोटेक्टेड बोल रहे हैं, तो जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसको हम लोग प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। ये प्लेन टेक्स्ट मेरा जाता है एक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम से, ठीक है, वहां से मुझे इस प्रोटेक्टेड का कोई साइफर टेक्स्ट मिलेगा। साइफर टेक्स्ट क्या है, साइफर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट जो हम समझ ना पाए नॉर्मल लोग। तो यहाँ पर पी का कुछ एट द रेट बन जाएगा, एच बन जाएगा, पी बन जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अज्यूम कर लो, 1 2 3 कुछ भी। तो ऐसा जब कोई, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो मेरा प्रोटेक्टेड है वो मेरा इस साइफर टेक्स्ट में चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो मेरा साइफर टेक्स्ट है ये मेरा यहाँ से ट्रांसमिट होगा, मतलब पहले इंक्रिप्शन होगा। तो ये जो प्लेन टेक्स्ट है मेरा साइफर टेक्स्ट पे पहुंचने का जो प्रोसीजर है वो मेरा, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। क्यों करते हैं, हम नॉर्मली भी भेज सकते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि जो डेटा है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, उसको कोई भी ऑल्टर ना कर पाए, डेटा जो है वो अनटैम्पर्ड रहे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो मेरा साइफर टेक्स्ट है ये मेरे रिसीवर के पास जाएगा इसी फॉर्म में। तो जो जो भी होगा इसमें ऑल्ट्रेशन वो इसी फॉर्म में होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो मेरा डेटा है ये एक बार रिसीवर के पास पहुंच गया, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि रिसीवर कैसे इसको समझेगा। तो रिसीवर इसको समझने के लिए इस प्लेन टेक्स्ट को बेसिकली किसमें चेंज करेगा, इस साइफर टेक्स्ट को वो प्लेन टेक्स्ट में चेंज करेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिक्रिप्शन, ठीक है। तो इनक्रिप्शन क्या हो गया, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट, डिक्रिप्शन क्या हो गया, जस्ट उसका उल्टा, साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट। एक और चीज आप लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी कि ऐसे तो फिर ये जो, अगर ये टेक्स्ट यहाँ पर जा रहा था तो हो सकता है कि जो हैकर है वो भी यहाँ पर साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कर सकता है, नहीं चेंज कर सकता है। क्यों नहीं चेंज कर सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर की होती है। अब ऐसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी, कि इसमें आता है कि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल केस की बात करूँ तो एक ऐसी की होती है, जैसे आप लोग को ताले को अगर खोलना होता है तो एक पर्टिकुलर की होती है, चाबी होती है। वो ताला हर एक की से नहीं खुल सकता, हर एक चाबी से नहीं खुल सकता, एक पर्टिकुलर ही चाबी होगी जो उस ताले को खोलेगी। उसी तरह से एक चाबी इसके पास होगी, सेंडर के पास, जिस चाबी को यूज करने करके इसने इसको इंक्रिप्ट किया होगा, ठीक है। सेम चाबी मेरे इसके पास भी होगी, रिसीवर के पास, तो वो उसी चाबी को यूज करके इसको डिक्रिप्ट कर लेगा, और ये चाबी इन दोनों के अलावा किसी के पास नहीं होती है। तो इसको हम लोग सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। एसिमेट्रिक में क्या होगा, जो की होगी वो चेंज हो जाएगी, तो वो तो हमें यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आई होप आप लोग को इंक्रिप्शन का टॉपिक समझ में आ गया होगा कि इंक्रिप्शन हम करते क्यों है और इंक्रिप्शन होता क्या है, ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं। सो इनक्रिप्ट डीएससी कैन ओनली बी यूज्ड टू इनक्रिप्ट अ डॉक्यूमेंट, मतलब उस डॉक्यूमेंट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करना ताकि उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। इट इज पॉपुलरली यूज्ड इन टेंडर पोर्टल टू हेल्प कंपनीज इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट एंड अपलोड। तो ये जो मेरा इनक्रिप्ट डीएससी होता है ये टेंडर कंपनीज में, जो टेंडर पास करती हैं वहां पर ये यूज होता है, ताकि जो कंपनीज है उनका टेंडर पास हो सके और जो उनका डॉक्यूमेंट है वो इनक्रिप्ट हो सके, ठीक है। You can also use the certificate to encrypt and send classified information. तो जैसे मैंने बताया कि आप information को भी send करने के लिए या receive करने के लिए encryption का technique use कर सकते हो, और वहाँ पर ये certificate काम आता है। Encrypt DSC is fit for e-commerce document, legal documentation and sharing document that are highly confidential and contains information that need to be protected. तो यहाँ पर जो encrypt DSC है वो ज़्यादा level की security, ज़्यादा level की protection हो गई।
तो इनक्रिप्ट टीएससी उन जगहों पे यूज होता है जहां पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप किसी और से डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। मतलब दो पर्सन है जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक है, पर्सन ए पर्सन बी, तो वो ये चाहते हैं कि ये जो भी डॉक्यूमेंट है कंपनी से रिलेटेड, उनके बिजनेस से रिलेटेड, वो उन दोनों के अलावा किसी और को ना पता चले, उस डॉक्यूमेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी का अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, आप उसको किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में आप इस डीएससी का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है आपको किसी से डिस्क्लोज नहीं करना है, और इंटीग्रिटी का मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट में कोई ऑल्ट्रेशन ना करे, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अनटैम्पर्ड रहे। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा तरह का डीएससी था। नेक्स्ट है मेरा साइन एंड इनक्रिप्ट। तो ये क्या होगा, दोनों का मिक्सचर है जहां पर आप साइन भी कर सकते हो और इनक्रिप्ट भी कर सकते हो। सो साइन एंड इनक्रिप्ट डीएससी कैन बी यूज्ड फॉर बोथ साइनिंग एंड इनक्रिप्टिंग। ठीक है, इट इज कन्वीनियंट फॉर यूजर्स हु नीड टू ऑथेंटिकेट एंड मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन शेयर। तो इस केस में ये डीएससी वहां यूज होता है जहां पर आपको एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट भी करना है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, साथ ही साथ उस जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को भी लाइकवाइज आपको मेंटेन करना है। वहां पर इस डीएससी का काम होता है। इट यूसेज इंक्लूड फिलिंग गवर्नमेंट फॉर्म एंड एप्लीकेशन। तो ये कहाँ पर यूज होता है, ये डीएससी मेरा जब हम कोई गवर्नमेंट का फॉर्म भरते हैं, कोई भी सपोज करो कोई वैकेंसी निकली है गवर्नमेंट में, वहां पर उसके फॉर्म भरने में इसका यूज होता है, साथ ही साथ कोई एप्लीकेशन है गवर्नमेंट की, उस केस में मेरा साइन एंड इनक्रिप्ट डीएससी का काम आता है। ठीक है, तो ये मेरे तीन तरह के डीएससी थे। अब आता है कि ये जो मेरा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है इसकी वैलिडिटी कितने साल की होती है, कितने टाइम की होती है। तो कोई भी पर्सन इस सर्टिफिकेट को 3 साल के लिए वैलिड करवा सकता है। 3 साल के लिए अपने पास इस जो भी पर्सन होगा जिसने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लिया होगा वो 3 साल तक वैलिडेट करवा सकता है। लेकिन ये जो वैलिड, यहाँ पर नोट में मैंने लिखा भी है कि ये जो वैलिडिटी है ये लॉ के थ्रू कंट्रोल होती है, एंड यू कैन नॉट बाय सर्टिफिकेट मोर देन 3 ईयर्स एंड लेस देन 1 ईयर वैलिडिटी। तो आप कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं बाय कर सकते जिसकी वैलिडिटी 3 साल से ज्यादा हो या फिर 1 साल से कम। तो आपको 1 से 3 के बीच में ही अपनी वैलिडिटी को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, और 1 और 3 यहाँ पर इंक्लूड है। नेक्स्ट है मेरा क्लासेस ऑफ सर्टिफिकेट। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो मेरे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसकी क्लासेस क्या है। बेसिकली जो डीएससी है उसको क्लास वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है, और जो हमारे आईटी लॉग है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो लॉ है, उसके हिसाब से जो डीएससी है वो 3 क्लासेस में डिवाइड है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। लेकिन क्लास 1 डीएससी हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, वैसे तो उसका यूज बहुत ही लिमिटेड है, और जनरली जो है हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्लास 2 और क्लास 3 यूज करते हैं। क्योंकि हम डीएससी यूज क्यों कर रहे हैं, हम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट उसकी सिक्योरिटी की वजह से यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो सिक्योर है। ठीक है, लेकिन जो क्लास 1 डीएससी होते हैं ऐसा नहीं है कि उनका यूज नहीं है, उनका यूज है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड सेक्टर्स में है और वो बहुत कम सिक्योर है 2 और क्लास 3 से। इसीलिए हम डीएससी की यहाँ पर क्लास 1 डीएससी की बात नहीं करने वाले हैं, हम करेंगे क्लास 2 एंड क्लास 3 की बात। सो क्लास 1 डीएससी डू हैव देयर यूजेस बट आर जनरली कंसिडर्ड लेस सिक्योर कंपेयर टू हायर क्लासेस ऑफ डीएससी, जो मैंने बता दिया। द डिफरेंस बिटवीन क्लास 2 एंड क्लास 3 इज वेरिफिकेशन गाइडलाइन, जो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आर अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग बोथ इंडियन एंड फॉरेन एप्लीकेंट। तो ये बेसिकली ये जो क्लास 2 डीएससी होता है वो किन एप्लीकेंट के लिए, किन इंडिविजुअल्स के लिए, किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल है, ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल है जो कि इंडियन हो सकती हैं या फिर फॉरेन एप्लीकेंट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप ये सिर्फ इंडियन में अप्लाई कर सकते हो, आप फॉरेन एप्लीकेंट में भी अप्लाई कर सकते हो। The main function of this certificate is to authenticate the detail of signer. तो जो DSC का normal काम होता है वही चीज यहाँ पर भी बताई गई है कि जो इसका main function होता है वो किसी भी जो sign कर रहा है person, जिसको हम लोग signer बोल रहे हैं, उसकी authenticity को check करना है कि वो वही person है जो हम सोच रहे हैं या फिर कोई दूसरा person है। ठीक है, इट reaffirms the already mentioned data of the user, और इसके साथ साथ जो मैंने बताया भी था पहले कि जो मेरा DSC का काम होता है वो ये होता है कि वो मेरे जो भी साइनर है उसको ऑथेंटिकेट करे, साथ ही साथ वो डेटा को चेक करे कि वो कहीं टैम्पर्ड तो नहीं है, उसमें कहीं कोई ऑल्ट्रेशन तो नहीं किए किसी ने। तो वही चीज मेरी क्लास 2 DSC के अंदर आती है। सो इट इज यूज इन वेरियस फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन,
ईमेल, अटेस्टेशन, इनकम टैक्स फिलिंग एक्सेट्रा। तो इसके एग्जांपल्स पढ़ लेना कि ये कहाँ पर यूज होता है। ये जो हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, कुछ भी पर्टिकुलर एग्जाम का फॉर्म हो सकता है या किसी भी चीज से रिलेटेड, आधार कार्ड या कुछ भी है, उस फॉर्म को फिल करने के लिए इस डीएससी का यूज होता है। किसी भी चीज का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोग को करवाना हो तो वहां पर ये डीएससी यूज होता है। इनकम टैक्स फिलिंग या और भी सेक्टर्स हैं, और इसके और यूजेस यहाँ पर दे रखे हैं। जो भी एमसीए है वहां पर, जो ई फिलिंग, जो भी इंटरनेट के थ्रू फिल करते हैं हम लोग फॉर्म, वहां पर ये डीएससी यूज होता है। नेक्स्ट है मेरा इनकम टैक्स ई फिलिंग। तो इनकम टैक्स को जो हम लोग फिल करते हैं इंटरनेट के थ्रू, वहां पर ये यूज होता है। एलएलपी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी एप्लीकेशन और आईई कोड रजिस्ट्रेशन, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का रजिस्ट्रेशन अगर आपको करवाना है इंटरनेट के थ्रू, तो उस केस में मेरा ये क्लास 2 डीएससी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब जैसे नॉर्मल सी बात है कि जो क्लास 1 जो है मेरा डीएससी, वो मेरा लेस सिक्योर है क्लास 2 और क्लास 3 से, उसी तरह से जो मेरा क्लास 2 है वो लेस सिक्योर है क्लास 3 से। मतलब क्लास 3 डीएससी जो है वो सबसे ज्यादा सिक्योर और सबसे ज्यादा सेफर डीएससी है। ठीक है, सो इट इज मोर सिक्योर इन कंपेरिजन टू क्लास 2 सर्टिफिकेट। तो जैसे मैंने बताया कि ये ज्यादा सिक्योर है मेरे क्लास 2 सर्टिफिकेट से। दिस इज द सेफेस्ट ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट, और इसी वजह से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिक्योर है, ये सबसे ज्यादा सेफ डीएससी है मेरी तीनों क्लासेस में। इट इज यूज इन मैटर्स ऑफ हाई सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो जहां पर भी हमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा सेफ्टी चाहिए होती है, उन सभी मैटर्स, उन सारे यूजेस में हम इसको यूज करते हैं। इट इज मेनली यूज इन ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड ई कॉमर्स वेयर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी और हाईली कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इज इन्वॉल्व। तो ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ये कहाँ पर यूज होते हैं, इनका जो मेन यूज देखा जाता है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग है। तो जो ट्रेडिंग होती है जो ऑनलाइन के थ्रू होती है, वहां पर ये यूज हो सकते हैं। जो ई कॉमर्स फैसिलिटीज होती हैं वहां पर ये डीएससी यूज होते हैं। और अब ऑनलाइन ट्रेडिंग में ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी होगा, इसलिए ये डीएससी वहां यूज होते हैं। और ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है वहां पर आप लोगों का कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो, उसको सेव रखने के लिए, उसको सिक्योर रखने के लिए इन डीएससीज का यूज वहां भी होता है। ठीक है, इफ यू ऑप्ट फॉर क्लास 3 सर्टिफिकेट, ऑल एप्लीकेशंस व्हिच आर क्रिएटेड फॉर क्लास 2 शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज योर सर्टिफिकेट। और जो भी एप्लीकेशंस मेरे क्लास 2 में होंगे वो सारे मेरे एज इट इज रिकॉग्नाइज हो जाएंगे क्लास 3 के अंदर। ठीक है, इसी के साथ क्लास 2 की तरह यहाँ पर और भी फंक्शंस मेरे दिए गए हैं क्लास 3 के, जैसे कि ई टेंडरिंग। तो जैसे मैंने बताया, जो टेंडर पास होता है अगर उसमें ई लगाओ, मैंने बताया था कहीं पर भी अगर ई लग जाएगा तो वहां पर इंटरनेट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, फिर है पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, ई मार्क, ई फिलिंग। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो भी पेटेंट अगर आपको वहां पर फिल करना है या फिर ट्रेडमार्क के लिए कोई भी फिलिंग करवानी है, तो उस केस में भी ये डीएससीज वहां पर इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है मेरा एमसीए ई फिलिंग। तो एमसीए ई फिलिंग में ये यूज होते हैं, कस्टम्स ई फिलिंग में यूज होते हैं, ई प्रोक्योरमेंट में यूज होते हैं, ई बाइंडिंग एंड ई ऑक्शन। तो ऑक्शन में, ऑक्शन जो होता है, जिसको हम लोग ऑक्शन, मतलब ऑक्शन क्या हो गया, ऑक्शन मतलब कि जो नीलामी जिसको बोलते हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा, वो भी मेरा अगर वहां पर भी कोई इंटरनेट का यूज है या फिर आईटी टेक्नोलॉजीज को वहां पर इंटीग्रेट किया गया है, तो उस केस में भी मेरा क्लास 3 डीएससी यूज होता है। ठीक है, तो ये मेरे सारे लेवल्स ऑफ डीएससी थे। और ये क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा प्रोसेसिंग मेथड। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि डीएससी होता क्या है, डीएससी के टाइप्स क्या है, इसकी क्लासेस क्या है, लेकिन एक पर्टिकुलर डीएससी को वेरीफाई करने के मेथड्स क्या होते हैं, उन्हीं मेथड्स को हम लोग प्रोसेसिंग मेथड्स कहते हैं। सो वी हैव 3 डिफरेंट वेरिफिकेशन मेथड्स फॉर एक्वायरिंग द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो इनको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास 3 बेसिकली मेथड्स होते हैं, और जो एप्लीकेंट है, जो भी पर्सन है जिसको वेरीफाई करवाना है, वो इन तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड को चूज कर सकता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। जिसमें पहला मेथड होता है मेरा ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा मेथड होता है मेरा पेपरलेस डीएससी, जहां पर पेपर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, पेपर बेस्ड सिस्टम को बेसिकली यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। फिर है मेरा जीएसटी वेरिफिकेशन बेस्ड डीएससी। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है मेरा ट्रेडिशनल बेस। सो इन ट्रेडिशनल मेथड एप्लीकेंट हैज टू फिल अ फॉर्म विद रिक्वायरमेंट्स कवरिंग टाइप, वैलिडिटी, यूसेज, यूसेबिलिटी। तो बेसिकली अब मेरी सेकंड कैटेगरी क्या है, पेपरलेस। तो ऑब्वियस सी बात है जो ट्रेडिशनल होगा उसमें क्या होगा, कुछ पेपर का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो अगर आपको अपने डीएससी को वैलिडेट करवाना है, उसको वेरीफाई करवाना है, तो उस केस में आप ट्रेडिशनल मेथड अगर आप यूज कर रहे हो, तो जो एप्लीकेंट होगा उसको एक फॉर्म भरना पड़ेगा
उसके साथ साथ उसको सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वहां पर अटैच करने पड़ेंगे, जैसे कि अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ एड्रेस प्रूफ, तो आपको अपने एड्रेस प्रूफ की फोटो कॉपी लगानी पड़ेगी और अटेस्ट करके लगानी पड़ेगी। तो अटेस्ट में क्या होगा, आपको अपना सिग्नेचर वहां पर करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर अपनी आईडी लगवानी पड़ सकती है, पैन लगाना पड़ सकता है, अपना आधार लगाना पड़ सकता है, तो वो मेरा डिपेंड करता है, शुड बी अटैच अलॉन्ग विद द फॉर्म। तो इस केस में ये सारी चीजें मेरी फॉर्म के साथ अटैच होंगी, ठीक है। तो आपको बेसिक सा एक फॉर्म भरवाया जाएगा और उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की आपको एक कॉपी वहां पर अटैच करनी पड़ेगी। एप्लीकेंट हैज टू साइन द फॉर्म एंड फिल ऑल द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो जो भी मेरे फॉर्म में जो भी फील्ड्स होंगी, जो भी चीजें आपसे पूछी गई होंगी, आपको उस फॉर्म को फिल करके सारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स वहां पर फिल करनी होंगी। ऑल द अटैच डॉक्यूमेंट शुड बी अटेस्टेड बाई ईदर बैंक मैनेजर, गेजेटेड ऑफिसर्स और पोस्ट मास्टर। तो बेसिकली अब हम लोग को क्या, अगर नॉर्मल कोई चीज अटेस्ट करनी होती है तो हम खुद से कर सकते हैं, ये प्रोविजन आ गया है। लेकिन इस केस में आपको जो अटेस्ट करवाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स को, वो किसी बैंक मैनेजर, गेजेटेड ऑफिसर या फिर पोस्ट मास्टर से ही आप अटेस्ट करवा सकते हो, आप खुद से यहाँ पर अटेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा ट्रेडिशनल तरीका है किसी भी डीएससी को वैलिडेट करवाने का, वेरीफाई करवाने का। नेक्स्ट है मेरा पेपरलेस डीएससी। तो पेपरलेस में क्या होगा, जो भी पेपर वाला तरीका होता है फॉर्म भरने का, फिर वो थोड़ा सा बोल सकते हो टाइम टेकिंग है और थोड़ा सा बोर भी हो जाता है। ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्म भरना पड़ेगा तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा और बोरिंग काम भी है, तो इसीलिए हम लोग पेपरलेस डीएससी का यूज करते हैं, जहां पर ये जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया पेपर बेस से रिलेटेड, वो यहाँ पर अवॉइड हो जाता है। तो जो पेपरलेस डीएससी होते हैं उसमें दो तरह के डीएससी आते हैं, एक है आधार बेस्ड ई केवाईसी वेरिफिकेशन डीएससी, दूसरा है मेरा पैन बेस्ड। तो हम लोग पहले आधार बेस्ड देखते हैं। तो आधार बेस में क्या होगा कि यहाँ पर आधार का तो यूज होने वाला है। सो आधार बेस पेपरलेस डीएससी इज एन इजी एंड फास्टेस्ट वे टू मेक डीएससी। तो डीएससी को बनाने के लिए, उसको वेरीफाई करवाने के लिए सबसे आसान तरीका है मेरा आधार बेस, और सबसे ज्यादा फास्ट भी है। आपको यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं भरना है, कोई अपने डॉक्यूमेंट नहीं अटैच करने हैं, कोई डॉक्यूमेंट को अटेस्ट नहीं करवाना है, तो ये ज्यादा ईजी तरीका हो गया। The whole process of paperless DSC will save your time, money, effort, and it is totally authenticated. तो इससे क्या होगा? इस पूरे process आधार based DSC में आपका time बचेगा, आपका money बचेगा, आपके जो efforts हैं, जो आपको किसी भी bank manager या उससे attest करवाने का part है, वो बचेंगे, साथ ही साथ ये पूरा authenticated process होता है। So आधार paperless DSC is based on आधार paperless offline KYC, और यहाँ पर आपको अपना KYC करवाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा पैन बेस। सो बाय ऑप्टिंग फॉर पेपरलेस पैन बेस ई केवाईसी डीएससी, द एप्लीकेंट इज एबल टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या है, कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। द ग्रेटेड एडवांटेज ऑफ दिस पैन बेस डीएससी ई केवाईसी हाउएवर इज दैट वन कैन अप्लाई फॉर दिस टाइप ऑफ डीएससी एनी टाइम और एनी वेयर, गिविंग द एप्लीकेंट द गिफ्ट ऑफ ग्लोबल कन्वीनियंस। तो ये याद रखना कि हमारे जो पेपरलेस डीएससी होती है, एक है आधार बेस, एक है पैन बेस। तो जो पैन बेस होता है उससे कॉस्ट तो कम होती है, साथ ही साथ ये प्रिविलेज मिलता है जो भी एप्लीकेंट है उसको, कि वो डीएससी के लिए अप्लाई करे किसी भी टाइम का यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं, 24/7 में कभी भी वो अप्लाई कर सकता है, साथ ही साथ वो कहीं से भी अप्लाई कर सकता है। तो उसको एक ग्लोबल लेवल पे एक फ्रीडम मिल गई है, एक एडवांटेज मिल गई है मेरी पैन बेस डीएससी से, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा जीएसटी बेस। सो जीएसटी बेस वेरिफिकेशन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डीएससी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट आईबीजी गाइडलाइन फॉर जीएसटी वेरिफिकेशन बेस्ड डीएससी विच रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन ट्रिमेंडसली एंड हेल्प यू प्रोसेस डीएससी फास्टर। तो यहाँ पर जीएसटी बेस यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होने वाला है डीएससी का। इससे क्या होगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको लगानी पड़ी थी ट्रेडिशनल डीएससी में, जहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़े थे, अपना एड्रेस प्रूफ, आईडी, पैन, ये सारी चीजें आपको वहां पर नहीं लगानी है, और डीएससी को अगर आपको लेना है तो ये भी मेरा बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट खत्म होता है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके लेवल क्या हैं, है ना, उसके बाद हम इसको कैसे ले सकते हैं, उसके सारे तरीके वो मैंने आप लोगों को सबको समझा दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।